गुरुग्राम के शनि धाम में न सिर्फ भूत प्रेत और पितृ दोष से मुक्ति पाई जाती है, बल्कि शारीरिक परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जी हाँ, शारीरिक परेशानी या शारीरिक रोग कह लीजिए, जिसमें शुगर, पथरी और नसों की बीमारियां भी शामिल हैं। यहाँ पहुंचने वाले शनिदेव के भक्तों का दावा है कि वे बीते कई सालों से इस तरह की बीमारियों से परेशान थे। 5 से 10 लाख रुपए तक खर्च करने के बावजूद उन्हें वो आराम नहीं मिला जो आराम उन्हें शनिधाम में पहुंचकर मनुभैया के यज्ञ चिकित्सा और मंत्रो जाप से मिला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हरियाणा, गुरुग्राम और दिल्ली, जी हाँ दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 से पहुंचे शनिदेव की ऐसे भक्त से रूबरू करवाएंगे, मिलवाएंगे और उनसे बात करवाएंगे कि कैसे उनका विश्वास शनिधाम पर बनता गया। 10 सालों से इलाज करा रहे लोगों को शनिधाम में पहुंचकर फौरन ही आराम मिल गया। कोई मनुभैया को गुरु मानता है तो किसी ने उन्हें डॉक्टर से बढ़कर उपाधि दी है। आपका शुभ नाम? रंजन सिंह। कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव दौलताबाद फ्लाईओवर के पास। अच्छा, क्या होता था, कितने समय से होता था? मेरे को अप्रोक्स 2 साल से मैं बहुत प्रॉब्लम में था और अभी मनुभैया के पास मैं 1 साल पहले आया था। मैं तकरीबन 8 बार आया। क्या प्रॉब्लम थी आपको 2 साल से? प्रॉब्लम शुगर की प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा। अप्रोक्स मेरी शुगर थी 450 के आसपास, उसके ऊपर बल्कि हार्ट की प्रॉब्लम थी। चलने में मेरे को बहुत दिक्कत थी, मेरी बैक बहुत पेन था। इमीडिएटली मतलब सब कुछ एक साथ ही हुआ। फिर मैं जब यहाँ पे आया, एक बार आया तो मेरे पेट का सारा मतलब पेन जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और पता नहीं अपने आप यहाँ आके पहली बार में ही चलने लगा। क्या उससे पहले आपने किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर को? मैं स्टंट लगवाए थे, मेरे 2 ब्लॉकेज एक साथ और शुगर भी उसी उन्हीं दिनों, जैसे कोरोना के इंजेक्शन के बाद शुगर भी। कितना पैसा लगा उस सब में? अप्रॉक्स मेरा 4.5-5 लाख रुपये लग गया। अच्छा, हाँ। तो 4-5 लाख रुपए लगने के बाद आराम नहीं आया। वो स्टंट लगाने के बाद मैं तकरीबन 8-9 महीने बहुत परेशान जी। मेरे को काम करने में दिक्कत थी, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को काम करने में दिक्कत थी, हर चीज़ में दिक्कत थी। तो जब मैं यहाँ आया, आते मैं वहाँ गाड़ी खड़ी करी पार्किंग में, यहाँ आते आते मैं एकदम कुछ एनर्जी आई है अपने आप। फिर मनु भैया को देखा, उन्होंने मुझे कुछ पीछे डंडे से कुछ लगाया, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही उसी समय से एक एनर्जेटिक हो गया। फिर मैं रेगुलर 1 दिन छोड़ के 2 दिन, 2 दिन छोड़ के 3 दिन आता। कितना एजुकेशन प्राप्त हैं आप? ग्रेजुएशन। तो आपको लगा नहीं कि मैं एक धाम पर जा रहा हूँ इलाज के लिए, साइंस नहीं मानता इन चीज़ों को? साइंस नहीं मानता, मैं कई जगह हॉस्पिटल धक्के खाकर, हॉस्पिटल में कई धक्के खाए। आयरन में मेरे एक एक दिन में 70-80 हज़ार रुपये लगे। पर जब इनके बारे में सुना, मेरे ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने बताया यूट्यूब में देखे कि इनकी बहुत मान्यता है, आप यहाँ जाओ। पहले इनका नजफ़गढ़ था, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा था, मुझे नहीं पता था। पर मैं यहाँ आया तो यहाँ आके देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत फ़र्क आया मुझे। आज आप उन डॉक्टरों के लिए क्या संदेश देते हैं और जो आप जैसे लोग बीमार हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं तो कहूँगा जी, एक बार ज़रूर यहाँ पे आए, अगर डॉक्टर के जाने से पहले, वो जो कर रहे उनका अलग ट्रीटमेंट है, पर आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आए ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो। जय अनुराग सिंह है। कहाँ से आए हो आप? उड़ीसा से, राउरकेला से आए हैं। क्या होता था, कितने समय से होता था? नहीं, मेरे मिसेस को वो पूजा पाठ करती थी मैया काली की, दुर्गा माँ की। अब घर में 5-6 साल से पूजा पाठ की है, अच्छी तरह से पूजा पाठ करती थी, अच्छा खर्चा करके पूजा पाठ करती थी, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आता था। वो वहाँ पर पूछे थे कि अंजलि भगत को गुरु बनाई, वहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं है, पैसा बहुत बर्बाद किया वहाँ पर। उसके बाद वो मुजफ्फरनगर में या बरखा माँ है, उनको गुरु धारण कर ली ऑनलाइन, वहाँ भी बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन तभी भी किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। पूजा पाठ करती रह गई, घर में लड़ाई झगड़ा होते रह गए और कोई भी काम नहीं बना। तब हमको मनु भैया के बारे में पता चला, मनु भैया सिंह धाम के बारे में पता चला हमको। उसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सर्च किया, 6 महीने से मैंने सर्च किया और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर वास्तव में किसी प्रकार का पैसा का लेन देन नहीं है, किसी प्रकार का गलत बात नहीं है। और जो घर में हम लोग हवन करते हैं, जो नारियल से पूजा पाठ करते हैं, वही चीज़ यहाँ भी हवन और पूजा पाठ से ही सब कुछ सिद्ध हो रहा है, सब कुछ मंत्र विद्या से सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो हमने इस गुरु पूर्णिमा के दिन में अपने मिश्र के साथ में
मुजफ्फरनगर आए, इसको गुरु धारण किए थे ये बरखा माँ के पास में, और उसी दिन रात को मैं तत्काल निकल गए गुरुग्राम अपने मनु भैया सिंधाम के पास में। सुबह पहुँचे हैं 22 तारीख को, और यहाँ पर हमने देखा कि मेरा जो मिसेस को लेके आए हैं उन पर जो पित्त का साया है कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। वो गौतम भैया बताएं चेकिंग करके कि इस पर कोई पॉजिटिव है ही नहीं, माँ कैसे आ सकती है, तो निगेटिव ऊर्जा है पूरा। इनके जो गुरु बनाई है वो भी निगेटिव ही होंगे, जब चला निगेटिव तो गुरु भी निगेटिव होंगे, पहचान नहीं पा रहा है शक्ति को। इसके बाद यहाँ पर हमने मनु भैया के सब हवन करवाए, हवन हुआ मनु भैया किए, और उसके बाद से अभी उनके ऊपर में जो चीज़ था वो बोलने लगा है कि हम जाएंगे जाएंगे, हम काली माँ नहीं है, मान लिया कि हम काली माँ नहीं है, हम कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, हम गलत चीज़ें वो माना। और यहाँ पर इस धाम में किसी का खर्चा भी नहीं है, बाकी जो फीस वगैरह लेते हैं इतना पैसा दो गुरु धारण करने के लिए। सुविधाएं कैसे मिल रही हैं आपको? सुविधाएं यहाँ तो बिना पैसा का सुविधा मिल रही है, तकिया रजाई मिल जा रहा है, केवल आधार कार्ड दिखा दीजिए, एंट्री करा लीजिए, और रात भर सोइए, पंखा चल रहा है 24 घंटा यहाँ पर, सुबह शाम 2 टाइम में चाय मिल रहा है फ्री में, वो भी फालतू चाय नहीं, बाहर में 10 रुपये का चाय भी वैसा नहीं मिलता है। इतने लोग 500,000 लोग हैं, उन लोगों को चाय फ्री में दिया जा रहा है। दोपहर को कभी कभी तो लंच भी देते हैं, जैसे कल लंच दिया गया, पूरा डब्बा भर वगैरह सबको लंच दिया गया। इस सुविधा का 500 लेटरिन बाथरूम है, शौचालय है, ठंडा पीने पानी के लिए, पानी पीने के लिए आर ओ लगा हुआ है, ठंडा पानी फ्रीजर है, साफ सुथरा है, लगता है कि हमने धाम में आए हैं। आने वालों पर खर्चा तो नहीं पड़ता इन चीज़ों का? कुछ नहीं, एक पैसे का खर्चा नहीं, मधु भैया ने लिखवा दिए हैं, बोर्ड में साफ लिखवा दिए हैं, किसी प्रकार का पैसा का लेन देन के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, और लेन देन न करें या किसी पर खर्च नहीं है। अब मैं बताऊंगा प्रोसेस भैया, इधर कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ रहते हैं बहन जी आप? रोहिणी सेक्टर 11। अच्छा, क्या हुआ था, कब से हुआ था? मेरे को 10 साल से प्रॉब्लम थी काफ़ी, मेरे को मतलब रसौली गोल्ड ब्लैडर में पथरी, और ये 4 साल से पैर की नसें ब्लॉक हैं, तो 4 साल से मतलब इसका रेगुलर इलाज चल रहा है नसों का। अच्छा, ऑपरेशन बता दिया था डॉक्टर ने। अच्छा, ऑपरेशन ही होगा नहीं तो लंबा इलाज चलेगा काफ़ी। अच्छा, रसौली वगैरह का? रसौली का तो अभी खून नहीं है मेरे अंदर, तो रसौली का ऑपरेशन भी नहीं करवाया, तो जो मेरा रेगुलर चलता रहता था पीरियड उसमें भी बहुत आराम है मेरे को। अच्छा, आज मेरी 10वीं हाजिरी है नहीं, यहाँ तो 10वीं हाजिरी है, आप 10 साल से बीमार थे तो आपने अस्पतालों में गए, डॉक्टरों के पास गए, किस किस अस्पताल में गए आप? मैं सरोज हॉस्पिटल सफदरजंग से अभी मेरा चल रहा है रिसेंटली, बाबा अम्बेडकर है वहाँ पे रोहिणी में, वहाँ पे कई जगह प्राइवेट भी दिखाया, गवर्नमेंट भी दिखाया, हर जगह। कितना पैसा खर्च किया होगा आपने इन सब में, अंदाजा? कम से कम हो गया होगा मेरा 5 से 10 लाख से ज्यादा ही, 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा। यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं आप? मेरी 10वीं हाजिरी है भैया। समय कितना हुआ 10वीं हाजिरी? जनवरी, मतलब 2 जनवरी को यहाँ पे आई थी। अच्छा, आपको शनि धाम, मनु भैया जी शनि धाम से क्या क्या लाभ मिले? बहुत लाभ, मेरे टांग के सारे जो जख्म है वो ठीक हो गए हैं, अब चलने में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जैसे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं चलने फिरने को मना कर रहा था, तो उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, और जो पीरियड्स की बीमारी थी तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, अब वो रेगुलर हो गए हैं 10-10 दिन, पहले तो नॉन स्टॉप चलते ही रहते थे। जी, आपके परिवार में क्या क्या लाभ हुआ? परिवार में भी बच्चों को भी फर्क है जी, मैं तो रेगुलर आ रही हूँ, मेरे को भैया पे बहुत ज्यादा विश्वास है। जय शनिदेव। अपने गुरु जी बनाए मैंने, तो जब भी मेरे को कोई कष्ट होता है मैं भैया को याद करती हूँ।